हाय, मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत बाजवा है और मैं एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूँ वोखार्ड हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल में. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड या AVN. AVN एक कंडीशन है ऑफ द अपर पार्ट ऑफ योर थाई बोन जहाँ पे ब्लड सप्लाई जो फीमोरल हेड का है वो बंद हो जाता है. इसके कई कारण हो सकते हैं. मोस्ट कॉमन कारण होते हैं अल्कोहल अब्यूज, कोविड का इन्फेक्शन, ब्लड डिसऑर्डर्स या मेडिकेशन सच एज स्टेरॉयड. इसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है ऑफ द फीमोरल हेड वो स्टॉप हो जाता है और हमारे खुद के बॉडी वेट से धीरे 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 वो फीमोरल हेड खराब होने लगता है. ये कंडीशन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स डेवलप होती है और हमें जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे मालूम पड़ते हैं. इनिशियल फेजेस में हमारे पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं तो ये डिजीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है पहले आइडेंटिफाई करने को. थोड़ी देर बाद, कुछ महीने या सालों बाद, ये सिम्टम्स अपीयर होना चालू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेन इन द ग्रॉइन, इन द आउटर पार्ट ऑफ द थाई और इन द बटक्स, और पेशेंट को एक लिम्प या चलने में डिफ़िकल्टी का सिम्टम महसूस होता है. एवैस्कुलर नेक्रोसिस के चार स्टेजेस हैं. पहले स्टेज में सिर्फ हेड में खराबी आती है बट ना वो एक्सरे पे दिखती है और ना ही पेशेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है. दूसरे स्टेज में हमें ये सिम्टम्स एक्सरे पे दिखना चालू होते हैं और पेशेंट्स को एक्सट्रीम मूवमेंट्स जैसे पैर फोल्ड करना, क्रॉस लेग बैठना, गाड़ी में चढ़ना और उतरने में तकलीफ होती है. तीसरे स्टेज में ये सिम्टम्स और सिवियर हो जाते हैं डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ पे, जैसे चलना, फिरना, सॉक्स पहनना, शूज़ पहनना भी डिफ़िकल्ट होता है. और चौथे स्टेज में पैर की मूवमेंट पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. AVN होने की कोई एज कैटेगरी नहीं है. हमारे काफ़ी यंग अडल्ट्स से लेके मिडिल एज अडल्ट्स को AVN हो सकता है. AVN का कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है और आज मेरी OPD में अप टू 30% ऑफ माई पेशेंट्स आर कमिंग विद एवैस्कुलर नेक्रोसिस. तो हमें इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट कब लेना है वो भी हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा. आज AVN इंडिया में एक ऑर्थोपेडिक पैंडेमिक की तरह दिख रहा है और हमें उसे मैनेज करने की स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ेगी. वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज टू टॉक अबाउट एवैस्कुलर नेक्रोसिस और उसकी मैनेजमेंट इन सब्सिक्वेंट वीडियोज़.